सलाम आदाब, मैं हूं अमीर रजा और आप देखना शुरू कर चुके हैं अररिया लाइव। अररिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम पहुंच चुके हैं अररिया के रेलवे स्टेशन, जो आप देख सकते हैं सड़क की जर्जर स्थिति है। कई बार यहां पर अररिया के युवा जो धरना प्रदर्शन भी किए और कई बार अनिश्चितकालीन धरना किए। तो यहाँ पर हम जानेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा है, लोगों का किस तरह के मूड बना रहे हैं, इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे। ये स्थिति लगभग 20 सालों से ऐसा बना है। लोगों का जो मानना है कि ये रेलवे स्टेशन वाला जो सड़क है 20 सालों से इसी तरह जर्जर स्थिति में है। यहाँ पर आपको प्रखंड कार्यालय मिल जाएंगे, उसके बाद PSC कृषि विभाग आए हुए हैं और हम यहाँ के जो रास्ते पे जो राहगीर गुजर रहे हैं उनसे बात करेंगे किस तरह का परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के जो ग्रामीण है। ये रोड खराब है, बहुत दिन से खराब है, बहुत दिन से कम 5-7 साल हो गया रोड का खराब होने से। हम लोग कितना झलना झेलते हैं वो हम लोग जानते हैं कि कितना झलना झेल के गाड़ी चला रहे हैं। क्या नहीं करते हम लोग, गरीबी हम लोग के पास है तो क्या नहीं करना पड़ता है, वोट तो करना ही है, वोट तो करना है। रोड बने ना बने क्या कीजिएगा, सब नेता लोग तो यही रोड ये वो मुद्दा लेके जीतता है, क्या करें। हम लोग गरीबी जिंदगी है, कैसे झेलते हैं वो हम लोग जानते हैं। ऐसे गिट्टी उट्टी डाला ना बहुत गड्ढा है। क्या मांग करते हैं आप? मांग का विकास कीजिए, अब क्या मांग करेंगे, रोड घाट बनाइए, क्या मांग करेंगे। मोहम्मद आजाद। अब क्या बोले, इस पे तो कितना हम लोग तो आवेदनों दिए हुए हैं ब्लॉक में। आवेदन? हाँ। कितना बार? कम से कम 3-4 बार दिए होंगे। क्या आश्वासन मिला? ठीक हो जाएगा। क्या मांग करते हैं आप? बोले कि देखिए हम लोग ड्यूटी करते हैं, हॉस्पिटल में भी कार्यरत हैं, DO पोस्ट पे। हाँ, तो हमेशा जब भी आते जाते तो हम लोग को प्राय हर बुला यहाँ कटिहार पड़ता है। हम लोग यहाँ के ग्रामीण से लिखवा कर भी दिलवाए थे ब्लॉक में कि ताकि ये रोड बने आने जाने में सुविधा हो, लेकिन क्या कीजिएगा। जब से लगभग 1.5-2 साल हो गया हमको यहाँ आया हुआ हॉस्पिटल में, ऑपरेटर वहाँ का, तब से ही देख रहे हैं ऐसा ही है। कोई सुनवाई सिर्फ हाँ हो जाएगा, आश्वासन तो मिलता हो जाएगा लेकिन होता नहीं। क्या नाम हुआ आपका? कुमार नीतीश। परेशानी तो बहुत होबे करता है सर, पूरा यहाँ से वहाँ तक आज से करीब 5 साल से ऊपर से ही खराब रोड, कोई यानी कि कुछ कर भी नहीं करता, तो क्या कीजिएगा। क्या मांग करते हैं आप? हम लोग सोचते हैं बन जाएगा तो थोड़ा सुविधा होगा जाने आने में। इलेक्शन नज़दीक है? इलेक्शन नज़दीक है, वही ना, अब देखिए क्या करता है लोग। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जियारत। चुनाव का अब कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस लोकसभा का जो नेता है, जो हम लोग 2 टर्म से 3 टर्म से वोट दे रहे हैं, वो कोई काम करता ही नहीं है। ये रोड हमारा स्टेशन अररिया कोर्ट से चांदनी चौक जर्जर है 10 साल से। ना यहाँ का MP सुन रहा है, ना MLA सुन रहा है, जबकि MLA आपको महागठबंधन का सरकार बना 17 महीना बिठे, वो भी नहीं कुछ किए। BJP का सरकार है केंद्र में, सेटिंग MP है BJP का इस लोकसभा में। 10 साल से ये रोड का स्थिति खराब है, कोई सुन नहीं रहा। बार बार हम लोग कहते हैं, आश्वासन पर आश्वासन मिलता है, बस इसीलिए लोग नाराज है। चुनाव का माहौल नज़र नहीं आ रहा ठीक से, शोर शराबा नहीं है, जिसके कारण वोटिंग कम हो रहा है। हमारा मुद्दा है महंगाई, रोजगार देना, गरीबी मिटाना, इसी मुद्दे पर हम लोग को वोट देना पड़ेगा। लेकिन हमारे सरकार लोग इधर से, हमारे MP साहब हैं प्रदीप कुमार सिंह, इधर से आते जाते हैं। ये रोड आप देख रहे हैं बना नहीं रहा, बहुत सालों से पड़ा हुआ रोड, पूरा खटारा रोड हो गया अभी के टाइम में। सरकार को देखना चाहिए कि यहाँ रेलवे लाइन है, आने जाने में बहुत सारे यहाँ के यातायात पूरे साधन खराब चल रही है, आदमी सबको बहुत परेशानी हो रही है। रोड को सरकार को ध्यान देना चाहिए, इस रोड को, यही एक मेन रोड है, इसको बनाना चाहिए। सरकार ये कुछ कर ही नहीं पा रही है, कैसा सरकार है, खाली वोट ले लेती आके एक बार देखती भी नहीं। यहाँ पे प्रदीप सिंह है, यहाँ ब्लॉक है, ब्लॉक से DM DPU साहब सब जाते हैं, सड़क पे कोई काम ही नहीं हो पा रहा। हमारा यही मुद्दा है कि जो भी पब्लिक वोट डाले अपना हित देख कर ही वोट डाले। रोड खराब है, रोड नहीं बनावा है, कितना दिक्कत हमारा से मुसीबत है। इंदिरा आवास नहीं मिले, वृद्धा पेंशन नहीं मिले,